तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेन होम में। आज हम बताएंगे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोते हैं। ऐसा नहीं है कि गोदरेज वॉशिंग मशीन में ही ऐसे कपड़े धुलते हैं। हर मशीन का कपड़े धोने का एक ही तरीका होता है। तो कैसे धोते हैं हर मशीन में कपड़े, चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास गोदरेज वॉशिंग मशीन है। आपके पास जो भी मशीन हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने उसे ओपन किया। पहले इसमें आपको पानी चलाना है, तो चलिए हम इसमें पानी चलाते हैं। जैसे मशीन में पानी आने लग जाता है, इसी तरह से भर जाएगी हमारी मशीन पूरी। तो ये देखिए, पानी भर चुका है मशीन में, और मशीन में पानी हमने फर्स्ट लेवल तक ही भरा है। ये देखिए, यहाँ तक ही भरा है पानी। अगर आपके कपड़े ज़्यादा हो तो आप सेकंड लेवल तक या थर्ड लेवल तक भर सकते हैं। तो चलिए, अब हम नल बंद कर देंगे। ये देखिए, यहाँ इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये सारे मुझे धोना है। इसमें आपको पहले छाट लेना है कि किसी कपड़े में से कलर ना निकले। चलिए, अब हम इसमें सर्फ डालते हैं। हर मशीन में इसी तरह से कपड़े धुलते हैं, चाहे वो गोदरेज वॉशिंग मशीन हो, चाहे एलजी की हो, चाहे सैमसंग की हो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं सर्फ ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े बहुत सारे हैं, मुझे बहुत सारे कपड़े धोना है। तो आपके कपड़ों के अकॉर्डिंग सर्फ डालें, मुझे देख के ना डाले हो नहीं तो आपके साथ बहुत मारेगी आपको। चलिए, अब हम आप चालू कर देते हैं स्विच। ये देखिए, यहाँ इस तरह से इसके फंक्शन है। तो हम इसे घुमा देते हैं। ये यहाँ से क्या होगा कि सर्फ थोड़ा घुल जाएगा, थोड़ी देर मशीन चलेगी। ये देखिए, सर्फ घुलने के लिए एक दो बार चलेगी और बंद हो जाएगी। फिर यहाँ से कपड़े गलाना शुरू करेंगे हम। अभी की मशीनों में ये फंक्शन आते हैं, पहले की मशीनों में ये नहीं था सिस्टम, लेकिन अब हर मशीन में ये आने लग गया है कपड़े गलाने का। पहले सिर्फ धुलते ही थे कपड़े, सॉफ्ट नहीं होते थे, गलते नहीं थे। तो ये यहाँ से यहाँ तक आने तक गलेंगे कपड़े। और बाकी के ये स्पीड कम ज़्यादा करने की है। इससे स्ट्रॉन्ग कपड़े धुलते हैं, इससे नॉर्मल धुलते हैं, और इससे पानी ड्रेन होता है जब हमारे कपड़े धुल जाते हैं। तो अब आते हैं इस पर। तो यहाँ आप चाहे तो इसे साफ पानी से कपड़े धो सकते हैं। इसमें अगर आपके कपड़े अच्छे से धुले हुए हैं तो उसे इसमें सुखा सकते हैं। तो साफ पानी से कपड़े धोने के लिए आपको क्या करना होगा वो हम आगे आपको बताएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए, कपड़े धोने के बाद हम इसका बताएंगे आपको कि इसमें क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसको तो बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हमें छाँटना है कपड़े। पहले कौन से कपड़े धोना है? पहले आपको छाँट लेना है शर्ट, शर्ट जिनके कलर नहीं निकलते हो। ओके, कलर निकलने वाले कपड़े मत डालना, वरना आपके सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे शर्ट शर्ट चुन लिए हैं। चलिए, मैं इसको डाल देती हूँ। ये अभी सर्फ में गलेंगे, धुलेंगे नहीं, ये सिर्फ सर्फ में गलेंगे। धुलने के लिए क्या करना होगा? धुलने के लिए जब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा उसके बाद धुलना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप मैल निकालेगी। अभी तो सिर्फ यहाँ से कपड़े गला रहे हैं सर्फ में। ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ गलेंगे, कपड़े फूलेंगे, कपड़ों का मैल जो है वो अच्छे से फूल जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में। क्योंकि ये हर 5 मिनट के बाद मशीन चलेगी, 5 मिनट तक हमारे कपड़े सर्फ में पड़े रहेंगे, फिर एक बार चलेगी, फिर और 5 मिनट तक पड़े रहेंगे, फिर एक बार चलेगी। इस तरह से 5-5 मिनट करते करते यहाँ तक आ जाएगी, फिर यहाँ से धोना स्टार्ट हो। हाँ, यहाँ से वॉशिंग टाइम शुरू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक सॉक टाइम होगा और यहाँ से यहाँ तक वॉशिंग टाइम रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे वॉशिंग टाइम पर। तो ये देखिए, इस तरह से कपड़े हमारे धुल रहे हैं, शर्ट शर्ट धुल रहे हैं। फ्रेंड्स, शर्ट हम
नॉर्मल पे धोते हैं, ये देखिए नॉर्मल पर है, जब हम पेंट वगैरह या फिर दूसरे कपड़े डालते हैं मोटे मोटे तो उसको स्ट्रॉन्ग पर कर देते हैं। ये इधर पर नॉर्मल कपड़े धुलते हैं और यहाँ स्ट्रॉन्ग कपड़े धुलते हैं, तो जब हम पेंट वगैरह धो लेंगे तब हम इसे स्ट्रॉन्ग पर कर देंगे। अभी तो हम नॉर्मल पर ही धो रहे हैं, देखिए ये जो हमारा काटा है वो यहाँ से यहाँ तक आते आते कपड़े सॉक हो गए थे, यानी कि गल गए थे, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते कपड़े हमारे धुल रहे हैं। जब यहाँ आ जाएगा तब हमारा अलार्म बजने लग जाएगा, आवाज़ होने लग जाएगी, तब हमारे कपड़े धुल जाएंगे। तो इस मशीन में तो इस तरह का फंक्शन है। आपकी मशीन कौन सी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप कैसे कपड़े धोते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वॉशिंग मशीन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शर्ट हमारे धुल चुके हैं, गल भी चुके हैं और धुल भी चुके हैं सर्फ में, तब हम इन्हें निकाल लेंगे इसमें से। अब हम इसको बताएंगे कि इसमें क्या करना है, और इसे ड्रायर कहते हैं, इसमें ड्राई होते हैं कपड़े और साफ पानी से धुल भी जाते हैं। अगर आपने बाहर कपड़े धोए हैं तो आप इसमें सुखा सकते हैं, या फिर इसमें धो के और साफ पानी से धुल भी सकते हैं। तो चलिए अब हम शर्ट इसमें डाल देंगे सारे। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है। इस तरह से खोल खोल के डालना है आपको सर्फ में से निकाल के। अगर आपके शर्ट की कॉलर वगैरह गंदी हो तो आप अलग से रगड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हम सारे कपड़ों को इधर रखते हैं, इसमें डाल देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सारे कपड़े इधर रख दिए हैं, इस वाली मशीन में डाल दिए हैं। अब इसमें केवल पानी पानी बचा है, इसमें हम दूसरे कपड़े धोएंगे। अब हम इधर पानी चालू कर देंगे। तो ये देखिए, इधर पानी चालू हो चुका है, ये साफ पानी है, ये कपड़ों को साफ कर देगी एकदम। ये देखिए इस तरह से ये साफ पानी से धुलेंगे हमारे कपड़े, सारा साबुन निकल जाएगा इससे। देखिए यहाँ से ड्रायर शुरू होता है, तो इसे पूरा यहाँ तक करना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते हमारे कपड़े साफ पानी से धुलेंगे। तो ये देखिए इधर गंदा पानी आने लग गया है, ये सारा गंदा पानी निकल जाएगा कपड़ों का। जब यहाँ साफ पानी दिखने लग जाएगा तब हम मशीन को, ये देखिए मशीन हिल रही है ताकि इसमें कपड़े धुल रहे हैं साफ पानी से, तब तक हम इसमें दूसरे कपड़े डाल देते हैं। अब हम इसमें सारी साड़ियाँ डाल देंगे, क्योंकि साड़ियों का कलर नहीं निकलता है। तो ये देखिए इस तरह से इसमें आप दूसरी बेच के कपड़े भी धो सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं ये दूसरी बेच के, और इन्हें भी हम गलाने पर कर देंगे। पहले ये गलेंगे, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कपड़े गलेंगे हमारे ये साड़ियाँ, उसके बाद फिर यहाँ से धोना स्टार्ट होंगी, सर्फ में धुलेगी ये और साफ पानी से इधर धुलेगी। तो ये देखिए यहाँ इसमें पहले के धुले हुए कपड़े अभी धुल रहे हैं, जब ये धुल जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए इधर साफ पानी आने लग गया है, यानी कि हमारे कपड़े अच्छे से साफ हो चुके हैं इसमें। तो अब हम इसे नल को बंद कर देंगे।
तो ये देखिए इसमें पानी हमारा बंद हो चुका है, अब यहाँ से हमारे कपड़े ड्राई होना शुरू होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक से हमारे ये जो जीरो पे आ जाएगा ना काटा, तो हमारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट हो जाएंगे हमारे कपड़े, हम इन्हें निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कपड़े ड्राई हो चुके हैं, ये मशीन की आवाज़ बंद हो चुकी है, लेकिन आपको इसको अभी नहीं खोलना है। तो ये देखिए आपको महसूस हो जाएगा कि हमारा ड्रायर बंद हो चुका है, तब हम इसे खोल लेंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे कपड़े एकदम साफ भी हो चुके हैं और सूख भी चुके हैं, ये देखिए। अब आप चाहे तो इसे रस्सी पर सुखाए या फिर पंखे की हवा में भी इन्हें सुखा सकते हैं। तो इसी तरह से हर मशीन में कपड़े धोए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से धोते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कपड़े धोने में मदद मिले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सीधा आपको पहुंच सके मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियोस लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।